प्रैक्टिस करेंगे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे उतना आप लोगों के लिए आसानी होगी उस चीज़ को समझने के लिए, राइट? ठीक है, हाउ डू आई बिकम अ गुड एट मैथ? मैथ्स में आप कैसे परफेक्ट हो सकते हैं? नंबर वन इज डू ऑल द होमवर्क. जो होमवर्क आपकी ट्यूशन, मतलब आप कहीं अकेडमी में पढ़ रहे हैं या जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ, आप उसके सारा होमवर्क जो भी टास्क आपको मिल रहा है उसको प्रॉपरली करें. नंबर टू, फाइट आउट टू मिस क्लास. ठीक है, फाइट नॉट टू मिस क्लास. ठीक है, कोशिश करेंगे मैथ्स की क्लास को मिस मत करें क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप क्लास छोड़ नहीं सकते. फाइट अ फ्रेंड टू बी योर स्टडी पार्टनर. कोई ऐसे फ्रेंड को अपना साथी बनाए जो आपको अपने साथ बैठ के इसको अच्छी तरीके से आपको गाइड करा सके. इस्टेब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद द टीचर. टीचर के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखें, ताल्लुक रखें, ताकि कल करा को अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ नहीं भी आता तो आप वो अपने टीचर से इससे कंसल्ट कर सकें, राइट? एनालाइज अंडरस्टैंड एवरी मिस्टेक. कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो वो टीचर से गाइडेंस लें. ठीक है, गेट हेल्प फास्ट. डोंट सॉलो योर क्वेश्चन. क्वेश्चन को छोड़ें मत. जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है आस्क योर टीचर या किसी फ्रेंड से. कंबाइंड स्टडी में पढ़े, बेसिक स्किल्स आर एसेंशियल. स्किल्स आपको आने चाहिए, टेक्निकल. ठीक है, जैसे बींग एज अ टीचर मैं कहती हूँ, अगर मैथ्स में आपको प्रैक्टिकली पता होगा तो आप हर चीज़ प्रैक्टिस कर लेंगे. तो चलिए, ये था मेरा आज का टॉपिक. इंशाल्लाह मैं फिर कल एक अनदर टॉपिक के साथ आऊँगी. हो